एक बार फिर से एक बेटी ने अपने माता पिता के साथ पूरे हजारीबाग जिले का नाम रोशन किया। हमारे साथ सानिया अख्तर जी हैं, जो बहुत ही कम उम्र में जज बन चुकी हैं। तो आइए उनसे जुड़ते हैं और उनके सफर के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले सानिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हजारीबाग अपडेट्स में। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो सबसे पहले बताइए कि इस मुकाम पर पहुंचने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? एक्चुअली जब तक अपने लॉ के थर्ड ईयर में मैं नहीं थी तो ऐसा मेरा कुछ प्लान नहीं था, लेकिन उसके बाद जब कॉलेज में कॉम्पिटिशन्स होते थे तो कुछ जजेस आते थे तो उनको देखकर बहुत अच्छा लगता था, कि दिल करता था कि ये मुकाम मैं भी हासिल कर सकूं। वहां से मुझे प्रेरणा मिली तो फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की। अच्छा, स्कूलिंग कहाँ से किया आपने? स्कूलिंग मैंने की है सेंट जेवियर स्कूल हजारीबाग से। अच्छा, उसके कॉलेज वगैरह? प्लस टू में ही मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चली गई थी, मैंने प्लस टू वहां से ही किया है और फिर ग्रेजुएशन और मास्टर्स भी मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही किया है। अच्छा, अब इस पोस्ट पर आकर कैसा फील कर रही हैं? बहुत बहुत रिलीव्ड और बहुत ज्यादा खुश फील कर रही हूँ। अच्छा, जब एक लड़का आगे पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है तो कहीं ना कहीं सोसाइटी बहुत सपोर्टिव होती है, लेकिन जब एक बेटी आगे पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, कुछ करके दिखाना चाहती है तो कहीं ना कहीं रिलेटिव्स कान खिंचाई शुरू कर देते हैं। तो ऐसा कोई स्ट्रगलिंग फेज रहा आपका? बहुत मेरे फैमिली में तो ऐसा कोई है नहीं दिक्कत लड़कियों की पढ़ाई में। मेरे माँ बाप ने तो मुझे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया। इनफैक्ट मैं अपने पूरे फैमिली की पहली लड़की थी जो टेंथ के बाद ही बाहर चली गई थी पढ़ने के लिए, और बाकी में भी जो मेरी फीमेल कजन्स हैं सभी पढ़ रही हैं, सभी जॉब कर रही हैं, तो मेरी फैमिली में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं, तो एज सच तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा, पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा आपकी इस पढ़ाई के दौरान? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मुझे लगता है मेरी मेहनत कम और मेरे माँ बाप की मेहनत इसमें ज्यादा शामिल है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्वालिफाई किया और आप जज बन चुकी हैं, तो अपने पढ़ाई का शेड्यूल क्या था? जो भी एस्पिरेंट्स इसकी तैयारी कर रहे हैं उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई भी एक सही स्ट्रैटेजी इस चीज की नहीं है। शुरुआत में मैं भी बहुत परेशान होती थी कि क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करूं। 10 लोगों से आप पूछेंगे तो वो 10 बातें बताएंगे। सबसे जरूरी चीज है कि आप खुद को पहचाने कि आपको क्या सूट करता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो दिन के 10 घंटे 12 घंटे पढ़ पाते हैं, मैं नहीं पढ़ पाती हूं। पर्सनली मैं 5-6 घंटे से ज्यादा एक दिन में लगातार नहीं बैठ सकती हूं। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आप कितनी देर दिन में पढ़ पा रहे हैं। जरूरी यह है कि आप जितनी देर पढ़ रहे हैं आप उतनी देर बहुत डेडिकेटेड पढ़ाई करें, उस बीच में आप कुछ भी ना सोचें, ये ज्यादा जरूरी है, ना कि ये कि आप 10-12 घंटे किताब अपने सामने खोल के बैठे हैं। दूसरी चीज ये कि किसी भी स्ट्रैटेजी को आप अंधाधुंध फॉलो ना करें, आप देखें कि आपको क्या सूट कर रहा है। जैसे कई लोगों का ये कहना होता है कि आप दिन में 3-4 स्लॉट्स बनाएं, एक स्लॉट में आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा, दूसरे स्लॉट में दूसरा सब्जेक्ट। मुझे वो सूट नहीं करता था। मैं ऐसा किया करती थी कि एक सब्जेक्ट को मैं पढ़ती थी 2-3 दिन लगातार, मतलब आई वॉन्टेड कि एक सब्जेक्ट मेरा कम्प्लीट हो जाए फिर मैं दूसरे सब्जेक्ट पे शिफ्ट करूं, तो उस तरीके से मुझे लगता था कि मैं ज्यादा फोकस्ड हूं। तो ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है। हो सकता है ये तरीका किसी इंसान के लिए मोनोटोनस हो जाए, वो बोर हो जाए, तो ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं। तो शुरू में तो आपको ट्रायल एंड एरर ही करना पड़ेगा। आप 2-3 मेथड्स फॉलो करके देखें कि आपको क्या ज्यादा सूट कर रहा है और आप वही करें जो आपको सूट करे। बहुत लोगों की बातों में आकर आप खुद का समय बर्बाद ना करें, ये मैं सबसे पहले आपको कहना चाहूंगी जो भी एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों को। अच्छा, आपने एक कैप्शन लिखा था कि 2 साल पहले आपने अपना सारा सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिया था, तो क्या सोशल मीडिया कोई डिस्ट्रैक्शन था या फिर ऐसे ही डिलीट कर दिया था? एक्चुअली मैंने अकाउंट तो डिलीट नहीं किया था, मैंने बस एप्स अनइंस्टॉल कर दिए थे। उसका कारण ये था कि मैं ये नहीं कहूंगी कि सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन है। कुछ लोग इतने फोकस्ड हो सकते हैं कि उनके लिए डिस्ट्रैक्शन ना हो, बट मेरे साथ ये मसला था कि कॉलेज का मेरा लास्ट 2 साल कोविड में गुजरा, तो तब कॉलेज भी बंद, घर पे थे, तो बहुत ज्यादा मैं इनटू सोशल मीडिया थी, दिन रात सोशल मीडिया पे ही हूं। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं कैसे खुद को उस चीज से बाहर निकालूं। जरूरी नहीं है कि आप सोशल मीडिया यूज ही कर रहे हैं, अगर आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे, तो मेरे साथ पर्सनली ऐसा होता था कि 100 चीजें आप देख रहे हैं, 100 लोगों के पोस्ट देख रहे हैं, तो आप पढ़ भी रहे हैं तो वो बैक ऑफ द माइंड में चलता रहता है, आप नहीं भी चला रहे हैं तो मुझे बस कट ऑफ करना था खुद को कि फिलहाल कुछ दिन बस खुद पे फोकस करूं और दूसरों से कोई मतलब ना हो कि आखिरकार ये मुकाम हासिल हो। जी, मोमेंट को डिस्क्राइब कीजिए जब रिजल्ट आपके सामने आया और आपको पता चला कि आप जज बन गई। एक्चुअली जब रिजल्ट आया, 2-3 दिन से तो ये बात फैली हुई थी कि रिजल्ट आने वाला आने वाला है। रोज ही सुबह से शाम तक एंग्जाइटी में गुजर रहा था, बट रिजल्ट आ नहीं रहा था। तो 28 नवंबर को मैं, मेरी मदर और मैं, मेरी बहन, हम तीनों मार्केट गए हुए थे, और जब मैं मार्केट में थी तो ही रिजल्ट आ गया। और फिर मैं इतना ज़्यादा पैनिक कर गई, मेरी एक और फ्रेंड है उसने भी मेरे साथ दिया था एग्ज़ाम, उसका क्लियर हो गया उसका भी।
तो उसने जैसे ही मैसेज किया हमारे दोस्तों के ग्रुप पे कि हो गया है मेरा, मैंने वैसे ही फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया कि मुझे जानना ही नहीं था अभी कि मेरा हुआ है या नहीं हुआ है, बट फिर सब्र तो हुआ नहीं, एक सस्पेंस क्रिएट, तो फिर मैंने वापस से फ़ोन ऑन किया तो फिर मेरे दोस्तों का कॉल आया कि मुबारक हो गया है तुम्हारा सिलेक्शन। फिर भी मैंने नहीं बताया किसी को भी तब तक घर पर, मैंने बहुत वेट किया मार्केट में बहुत मुश्किल से कि मैं घर पहले पहुँचूँ। फिर जब मैं घर आ गई तो भी पापा घर पर नहीं थे और मैं चाह रही थी कि मैं साथ में बताऊँ सबको, तो फिर मैंने पापा का वेट किया। और इत्तेफाक से एक दिन पहले 27 नवंबर को मेरे मम्मी पापा की 30th वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो मेरी फ्रेंड ने केक भेजा था मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए, केक आ गया था घर पे, तो मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने सरप्राइज़ कर देते हैं। तो मैंने मम्मी पापा को ये बोल के बैठाया था कि आप लोगों के एनिवर्सरी के लिए मेरी फ्रेंड ने केक भेजा है, और पूरे ख़ानदान वालों को भी इकट्ठा कर लिया था, सारे बच्चों को, अपनी चाची लोगों को, इसलिए कि एनिवर्सरी का केक काटना है। और फिर जब सब बैठ गए तो मैंने ऐसी फ़ोटो लेने के बहाने मैं बीच में बैठी मम्मी पापा के, और फिर मैंने बोला कि मेरा रिजल्ट आ गया है। फिर तो सब रोने लगे, बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट, बहुत ज़्यादा वो प्राउड मोमेंट मेरे लिए रहा, बहुत मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार पल अब तक का। अच्छा, तो एक बार बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस करना चाहूंगी आपका। अच्छा, यहाँ पर सानिया जी के पेरेंट्स बैठे हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं अपनी बेटी को इस मुकाम पर देख? बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, और उम्मीद था बेटियों से, अक्सर लोगों को उम्मीद होता है कि बेटियां अच्छा करेंगी, और हमेशा बेटी को प्रोत्साहित करना चाहिए और बेटी को आगे पढ़ाने के लिए, बेटी आपको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगी। या और मैं अपने सारे दोस्तों का, अपने परिवार का और सारे अपने शुभचिंतकों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने भरपूर सपोर्ट किया मुझे हर एक मामले में, हर एक तरह से। मेरे इसकी दादी पटना में है, इसके अंकल हैं नवीन अंकल, इन्होंने मिल के मतलब सारा कुछ, हमको बेतहाशा सपोर्ट मिला सभी दोस्तों का, और उसी के कारण आज हम इस मुकाम पर हैं। अच्छा, इनकी मम्मी भी यहाँ पर है, आप क्या कहना चाहेंगी बताइए। ये सब मेरी बेटी का मेहनत का नतीजा है, मेरी बेटी बहुत ज्यादा मेहनत की, उसी का फल इसको मिला, और ऊपर वाला का साथ है। बस मैं यही चाहूंगी कि बेटियों को कम नहीं समझे, बेटी बेटा से बढ़ के होती हैं, वो जो ठान लेती हैं वो कर दिखाती हैं। अच्छा, माँ को, माँ बच्चे को सबसे अच्छे तरीके से जानती है, तो क्या कभी सानिया जी को ऐसा बोलने का जरूरत पड़ा कि बैठ के पढ़ो, बुक निकाल के पढ़ो? कभी नहीं, आज तक नहीं। हम मुझे तो याद नहीं कि मैंने कभी बोला हो कि तुम बुक खोलो या बैठ कर पढ़ो, कभी नहीं। वो लोग सब समझती थी कि हमको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, सब अपने मैनेज किया, मतलब सारा कुछ खुद से शेड्यूल करके, खुद से सब अपने, हम लोगों ने कुछ नहीं बताया उसे। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। और यहाँ पर उनकी बहन भी बैठी, अपनी बहन को इस मुकाम पर देख कैसा महसूस कर रही है? बहुत बहुत खुशी, मुझे ये लग रहा है कि मेरी बहन जितना, मतलब जितना मेहनत की है उसका ये रंग लाई है, ये मेहनत, और मेहनत के से बढ़कर सबसे बड़ी चीज होती है सैक्रिफाइस। इन्होंने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है ये अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए। कैसे? आपने बताया सैक्रिफाइस किया, तो किन किन चीजों को सैक्रिफाइस किया है? सैक्रिफाइस जैसे कि बहुत कुछ सैक्रिफाइस, कहीं जाना आना, कुछ भी फैमिली फंक्शन अटेंड करना, कुछ भी, ये मतलब ये पढ़ाई को, मतलब प्रायोरिटी इसका पढ़ाई था, तो ये और कोई चीज को ये नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा कि आपने देखा कि एक बेटी ने अपने माता पिता का नाम रोशन किया और इतने अच्छे से पढ़ाई की और उस पढ़ाई में आज सफल हुई और आज जज बन चुकी है, तो एक बार आपका बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी और बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस करना चाहूंगी हजारीबाग अपडेट्स की ओर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक लास्ट मैसेज, जो भी एस्पिरेंट्स इसकी तैयारी कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी ओर से? खुद पे भरोसा रखें, और सबसे बड़ी बात है कि जो भी उन एस्पिरेंट्स के पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे पे भरोसा रखें। अगर वो कुछ डिसाइड करते हैं, आपको अगर लग भी रहा है कि वो चीज़ सही नहीं है, तो अपने बच्चे पे भरोसा करें, उसे बेहतर पता होगा कि वो क्या चीज़ कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा। और आप भी अपने गोल से ना भटके, अगर जो भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है उसे फिलहाल के लिए अपनी जिंदगी से काट दें। जब आप उस गोल को अचीव कर लेंगे तो आप सब कुछ वापस पा पाएंगे, बट जो वक्त गुजर गया होगा वो हम वापस नहीं हासिल कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा कि एक बेटी अगर पढ़ेगी तो वो आगे जरूर बढ़ेगी, ये तो साबित कर दिया है हजारीबाग की बेटियों ने। धन्यवाद।